लेकिन इसमें हम इनपुट लेते हैं इनसे नेम, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है, यहां तक तो नेम आ गया। अब इस नेम की वैलिडेशन करनी है हमें। यहां पर वैलिडेशन के लिए जो हमारा प्रोसेस था वही यहां पर अप्लाई करेंगे कि बुलियन इज नेम करेक्ट इक्वल टू फॉल आई लेस देन नेम डॉट लेंथ। If name dot character of I, character dot is letter, name dot character of I equal to is name correct false or free, space भी allow करते हैं। ऐसे ही था। अब नीचे हम चेक कर लेते हैं इज नेम करेक्ट इक्वल टू ट्रू। करेक्ट अदरवाइज इनकरेक्ट। नेम मैंने दिया यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, ये एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब इसके अंदर मैं एक और इनपुट लेता हूं फादर नेम, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम देन फादर नेम। इन तीनों के रूल क्या है कि तीनों के सेम रूल है कि आपके लिए लेटर हो और स्पेस के अलावा कुछ हो। तो हमें इस पूरे कोड को नीचे लिखना पड़ेगा फिर से। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि इसको मैं कहीं मेथड में रख लूं कोड को और उस मेथड को कॉल करता रहूं बार बार, तो मेरी रियूजेबिलिटी बच जाएगी कि वो कोड रियूज हो जाएगा मेरा, ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा मुझे। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक मेथड बनाते हैं पब्लिक, वॉइड नहीं लगा रहा मैं कह रहा हूं बुलियन, कि ये मेथड मुझे रिटर्न करे ट्रू या फॉल्स। मेथड के अंदर मेथड नहीं बना सकते, मेन मेथड के अंदर नहीं, क्लास के अंदर बनेगा मेथड। तो मैं एग्जांपल क्लास के अंदर मेथड बना रहा हूं, सही है, किसी भी नाम से बना लो, इज टेक्स्ट करेक्ट, ये मेरा नाम है, कोई भी नाम दे दो। ठीक है, नहीं अभी लगा रहा हूं, बना रहा हूं पूरा, देखें अभी बना रहा हूं कि मैं कर देता हूं चेक टेक्स्ट, इस नाम से बनाया तो ये बना है। अभी यहां से यहां तक खत्म हो गया और मेन नीचे, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूं कि बुलियन मुझे रिटर्न करे और ये ले इनपुट ले मुझसे एक स्ट्रिंग में कोई भी टेक्स्ट। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक का कोड मैं पूरा यहां पे लिख देता हूं, ये कोड या नेम की जगह कर देते टेक्स्ट, कि चेक करें टेक्स्ट को, टेक्स्ट कौन सा जो स्ट्रिंग आर्गुमेंट में मिला है इसको, इसमें सही। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे क्योंकि बुलियन टाइप ही, रिटर्न बुलियन टाइप करेगा इज नेम करेक्ट ये वाला वेरिएबल। अब अगर ये वेरिएबल ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इसकी वजह से फॉल्स हो गई रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है,
तो ये हमारा एक मेथड बन गया, एक यूटिलिटी बन गई। अब इसको यूज कैसे करेंगे कि इसको फिलहाल हटा रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे इसका यूज करने के लिए एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाए बगैर मैं उसका मेथड कॉल कर नहीं सकता, क्योंकि मेन मेथड इस क्लास का ऐसा नहीं होता ना। तो एग्जाम्पल, न्यू एग्जाम्पल, अब मैं कॉल कर रहा हूँ ई डॉट चेक टेक्स्ट। टेक्स्ट को दे रहा हूँ ये नेम जो मैंने यूजर से लिया, ठीक है। ये मेथड मेरे टेक्स्ट को चेक करेगा और रिटर्न कर देगा, अगर सही है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो इसको मैं इफ में रख लेता हूं। इस तरह से नेम इज करेक्ट, एल्स नेम इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपका एक ही दफा बनेगा, ऊपर इसको पहले ऊपर बना लो। अभी जो आपका रन होगा अभी भी बिल्कुल सही काम करेगा ही। अब फायदा क्या है कि मैंने दूसरा इनपुट लिया फादर नेम या कोई और, के स्ट्रिंग फादर नेम इक्वल टू नेक्स्ट लाइन और यहां पे पूरी वैलिडेशन की जगह सिर्फ ये कर लिया ई डॉट चेक टेक्स्ट फादर नेम। ये फादर नेम को चेक करके बता देगा। वही मेथड मैंने इसके लिए यूज कर लिया क्योंकि वो काम एक वैलिडेशन का हो रहा है, यहाँ मैंने इसको यूज कर लिया। हाँ ये उसपे नहीं होगा, ये किस पे होगा जो मैंने यहाँ कोड किया। सिर्फ डिजिट के लिए अलग बनाना पड़ेगा मेथड, कि चेक डिजिट के नाम से बना लिया कोई और, ये सिमिलर काम के लिए यूज होगा। मैंने नेम दिया, फादर नेम पूछ रहा है, वो डिपेंड करता है अगर इफ के अंदर रखता तो वो एक वही एरर दे देता जैसे मैंने कल बताया था। लेकिन सॉल्यूशन क्या हुआ कि बस नेम मैंने लिया, इफ के अंदर मेथड कॉल करके चेक कर लिया, मेथड वो चेक करता जा रहा है। मेथड बनाने के ये फायदा है हमारे पास, जिस चीज में ये दो कंडीशन हो जो हमें चेक करनी हो, लेटर और स्पेस, वो सब इसके अंदर आ सकते। एक मेथड मैंने नंबर्स का बना लिया, उसमें एज, फोन नंबर या जितने नंबर्स की चीज है वो चेक कर ली, तो बार बार लिखने से बच जाते हैं। यहां से ओपन किए और यहां बंद, ठीक है, क्योंकि मेथड आता है क्लास के अंदर, मेन मेथड के अंदर नहीं, मेन मेथड अलग होता है, ठीक। तो ये आपका वैलिडेशन कल जो मैंने बताई थी होती इसी तरह है। ये अपनी आसानी के लिए आप मेथड बना सकते हैं, रिटर्न ये, हाँ रिटर्न में ये हमें ट्रू या फॉल्स दे रहा है ना, बुलियन टाइप का वेरिएबल है, तो रिटर्न ये दे रहा है ट्रू। तो अगर ये ट्रू है, यहाँ पे ये रिटर्न में ट्रू दे रहा है, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे लिखूं तब भी चल जाएगा ये, ठीक है। वो रिटर्न ही में ट्रू फॉल्स देता है वो भी चल जाता है। तो इस तरह से आपका ये मेथड वर्क करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना पूरा, ये मेथड बना के किसी एक क्लास में रख देते हैं सारे मेथड जो नंबर के अलग रख दिए इसमें, और पूरे प्रोजेक्ट में शायद में 10-12 फाइल है, सब में ये मेथड कॉल करता रहता है बस। तो हमें कोड बच जाता है, एक जगह रखा है वहीं से कॉल कर रहा है। मैं क्या करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक हेल्पर नाम से क्लास बना देता हूँ, उसमें समान मेथड रख देता हूँ चेक टैक्स के, चेक नंबर के, और भी अगर कोई हो वैलिडेशन वगैरह के या इस तरह के मेथड्स, वो एक हेल्पर क्लास में रख देता हूँ। तो ये वैलिडेशन के रूल्स हैं आपके पास। वैलिडेशन हर चीज में इम्पोर्टेंट होती है, हर चीज में वैलिडेट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास जो
मेथड है। देख मैं यही बता, सिंपल मेथड्स हैं, मुश्किल नहीं है वाले। अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट है, इसका एक मेथड है s डॉट, हमने इक्वल पढ़ा, लेंथ पढ़ा, काफी पढ़े, टू अपर केस। ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट को अपर केस में कैप्स लॉक में कन्वर्ट करके दे देगा। इस तरह से अपर केस, हाँ जो है उसको रखेगा, जो नहीं है उनको कर देगा। नहीं, वो रिवर्स नहीं करेगा उसको, फिर हमें एक एक करके कैरेक्टर के थ्रू लूप ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन ये अपर केस है, उसका भी सॉल्यूशन है, वो भी हो जाएगा। रिवर्स जो आप कह रहे वो भी हो जाएगा, ये क्या करेगा अपर केस कर देगा। इसी का दूसरा मेथड है लोअर, वो क्या करेगा पूरे टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है कि ये जो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं ना, लोअर अपर वगैरह जो है, ये क्या करते हैं कि रिटर्न में नया स्ट्रिंग देते हैं आपको, ये अपने ओरिजिनल में चेंज नहीं करते। जैसे मैंने यहां देखे इसको एस डॉट टू अपर केस, हाँ चेंज करके नई कॉपी देते हैं। अब मैंने ये मेथड कॉल किया ना, और नीचे मैं प्रिंट करवा रहा हूं एस को, देखिए एस अपनी ओरिजिनल हालत में रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसने मुझे एक नया स्ट्रिंग रिटर्न किया, मैं चाहूं तो उसको स्ट्रिंग एस टू में रख लूं, फिर एस को मैं कॉल करूंगा तो एस अपनी ओरिजिनल हालत में रहेगा, एस टू जो है वो नया वाला बनाए जो नया अपर केस में बनाए। सही है, मतलब मेन उसमें चेंजिंग नहीं करेगा। यह हमारे पास बहुत काम का मेथड था, अभी भी है। होता क्या था इसमें कि जैसे मैंने आपको एक टास्क दिया था, यूजर नेम आप चाहे स्मॉल दें कैपिटल दें सब एक्सेप्ट करना चाहिए, और मेथड बताया था इक्वल इग्नोर केस। वो मेथड अब न्यू है, पहले नहीं था और अक्सर लैंग्वेज में नहीं भी। दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, टेक्स्ट जो लेते हैं ना यूजर से, उसको लेते ही लोअर केस में, मतलब कोई भी केस जब कन्वर्ट बैक एंड में लोअर में किया और लोअर में चेक कर लिया। जैसे इसमें देखें, ये मैंने यहां पे चेक किया एस डॉट इक्वल्स पाकिस्तान, ठीक है करेक्ट प्रिंट कर दूं, करेक्ट नहीं है, उसका पी कैपिटल इसका स्मॉल है। तो हम क्या करते थे s डॉट टू लोअर केस डॉट इक्वल, पहले उस टेक्स्ट को लोअर करें और हमने जो दिया वो लोअर में दिया, फिर ये मैचिंग करता है। तो लोअर करने के बाद मैचिंग करेगा ये, करेक्ट, या तो अपर करने के बाद, यहां पे भी अपर देते हैं, एक केस को फॉलो करके चलते हैं। अब तो इग्नोर केस का मेथड है वो इजी है हमारे लिए, उसमें तो हम डायरेक्ट इग्नोर केस देखते हैं, लेकिन अक्सर लैंग्वेज में नहीं है। तो टेक्निक क्या होती थी, या तो लोअर में कन्वर्ट करके चेक करो या फिर अपर में कन्वर्ट करके चेक करो। तो ये मेथड दोनों इसलिए काम आते हैं हमारे पास। सही, क्लियर। चले आपकी ये मेथड्स थे, कुछ और मेथड्स हैं, लेकिन अब हमारा कुछ ऐसा है सेटअप कि यहाँ वीकली टास्क स्टार्ट हो चुके हैं, पहले भी थे लेकिन अब प्रैक्टिस में आ चुके हैं। तो आपको आज वीकली टास्क मिलेगा आज, ठीक है, क्योंकि एक दिन कल का कुछ पता नहीं, हो सकता ऑफ हो जाए, एक्सपेक्टेड है कि ऑफ, ठीक है।
तो उसमें ये है कि आप यहाँ पे 1 घंटे बैठ के भी उसको रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे। फर्स्ट टाइम मैंने नॉर्मल बनाया, मैंने काफ़ी बना के दिए थे, उनमें जो मुझे सिलेक्ट करके दिया है उन्होंने, तो वो जल्दी हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। तो पहले तो आप ये करेंगे कि उसको यहाँ ट्राई करें 1 घंटे, नहीं तो मंडे तक आपको सबमिट या जब भी अगर क्लास होती है मेरी सबमिट करना है, उसके बाद उस पर आपकी एवोल्यूशन होगी। एवोल्यूशन से मतलब वो आप यहाँ पे चेक कराएंगे, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी या फिर क्वेश्चन उस टास्क के मुताबिक होगा आपसे। अब वो मैं भी हो सकता हूँ या कोई और टीचर भी आ सकता है, ठीक है। टास्क में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा।